फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया, एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जो निश्चित तौर पे हमारी जो कुल आबादी है उसका लगभग 1% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये बीमारी मानसिक बीमारी है फ्रेंड्स, यानी कि एक दिमाग से संबंधित बीमारी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। फ्रेंड्स इसके लिए जो अभी अपन ने देखा है, जिस पेशेंट में बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताना चाहते हैं जो सिजोफ्रेनिया है इसमें आपको कई प्रकार की हो सकती है, इसके अलग अलग डिग्रीज होती हैं, लेकिन हम तीन प्रमुख डिग्रीज के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। पहला है इल्यूजन। इसमें होता क्या है इल्यूजन में कि जो पेशेंट होता है उसको आप कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ और समझेगा। जैसे आप उसको कहेंगे कि ये बस है तो उसको नहीं, उसको लगेगा ये बस नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये ट्रक है। मतलब वो अलग ही चीजों को समझता है। आप कुछ भी कहते हैं तो उसकी अलग थिंकिंग चलती है फ्रेंड्स, ये इल्यूजन कंडीशन होता है। दूसरा है डिल्यूजन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें अगर आप उसको कहेंगे कि इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ पे दिक्कत है, तो वही रास्ता वो चूज करेगा। मतलब जो भी चीजें आप उसको मना करोगे कि ऐसा नहीं करना है, उस चीज को करने की बार बार रिपीटेशन करता है। इस कंडीशन को अपन डिल्यूजन बोलते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स हेलुसिनेशन। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट होता है वो किसी चीज को रिपीट करता है, रिपीटेशन। जैसे वो अगर हाथ धोएगा तो हाथ धोने के बाद उसको लगेगा कि मैं बार बार अपना हाथ धोता रहूं। मतलब उसको लगेगा कि हमने अपना हाथ धोया ही नहीं है, उसको बार बार ऐसा लगेगा कि हमने अभी अपना हाथ नहीं धोया। वो हाथ धोएगा, पुनः कुछ देर बाद उसको लगेगा कि मैं हाथ धो लूं। मतलब किसी चीज को रिपीट करना चाहता है, किसी चीज को ऐसा लगता है वो भूल जाता है तत्काल कि हमने इस काम को किया था, यानी करने के बाद भी उसको तत्काल भूल जाता है और उस चीज को रिपीट करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को अपन हेलुसिनेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ये तीनों कंडीशन के लिए अपन ने तीन वर्ल्ड क्लास के रेमेडीज को इस कैटेगरी में अपन ने रखा है फ्रेंड्स। इसमें से जो पहली रेमेडीज है वो है प्लांट किंगडम की बहुत बेहतरीन रेमेडी, जिसको अपन बोलते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल। ये बहुत बेहतरीन काम करती है इस कंडीशन के लिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इग्नेशिया को भी अपन देते हैं पेशेंट को। कई बार पेशेंट एग्रेसिव हो जाता है, उस कंडीशन में अपन उसको सेट्रामोनियम को भी देते हैं फ्रेंड्स। क्रोकस सटिवस जिसको केसर बोलते हैं, सेफ्रॉन, उसको भी अपन देते हैं, पर लक्षण के हिसाब से अपन को देना है। लेकिन इन केसेस में जो सबसे ज्यादा प्रभावी रेमेडी रही है वो एनाकार्डियम रही है फ्रेंड्स, एनाकार्डियम ओरिएंटल्स रही है। आगे हम बात करना चाहते हैं कि अगर किसी को ऐसी कंडीशन है तो अपने जो ईएच कॉम्बिनेशन आते हैं उसमें अपन F1, S5 और S10 को अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं। D3 डाइल्यूशन लेते हैं, उसको 100 ml पानी में या समझ सकते हैं डिस्टिलेट वाटर या क्यारो के पानी में उसको मिक्स करके पेशेंट को वही पानी उसको देना पड़ता है। उससे उसको बहुत तेजी के साथ आराम होता है। इसके साथ साथ उसके हेड में ब्रेन के पास उसको कंप्रेस करना पड़ता है WEO C5 को। अगर ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर कई बार सिजोफ्रेनिया के लक्षण तब आते हैं जब कोई इंजरी हो जाए या कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कि उनके जो बहुत खास पर्सन उनकी डेथ हो जाए, उसके बाद उसको दुख के बाद अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो उस कंडीशन में आपको बेस्ट फ्लावर का रेस्क्यू रेमेडी जरूर याद करना चाहिए। उसके भी अच्छे रिजल्ट हमने इसमें देखा है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक पहुँचाइए जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक कर पाएँ। नमस्कार।